हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बड़ी अपडेट को लेकर। बड़ी अपडेट आ रही है फ्रेंड्स BARC की तरफ से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, BARC के द्वारा 2021 में 19 पदों के लिए स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई थी। उसके लिए जो एग्ज़ाम था फ्रेंड्स, वो 9 जनवरी 2022 को कंडक्ट करवाया गया था। जो भी कैंडिडेट वहाँ पर फाइनली सेलेक्टेड हुए हैं, जिसे अपन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, वो आज जारी कर दी गई है। तो उन सभी कैंडिडेट को जो इस एग्ज़ाम में फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं, हमारी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं उनको। तो चलिए फ्रेंड डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ दो चार इंस्ट्रक्शन हैं जो मैं आपको बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी मेरिट तैयार की गई है, वो जो सेकंड स्टेज था उसके अकॉर्डिंग तैयार की गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है वो तभी आएगी जब जो फाइनल सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आएगी, कंफर्म आएगी, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट हैं, कितने आवेदन इनको प्राप्त हुए थे, तो देखिए फ्रेंड्स 5714 इनको जो आवेदन वो प्राप्त हुए थे। इसके अलावा कितने कैंडिडेट को उन्होंने एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया था, तो 5686 को बुलाया था। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिए गए थे। इसके अलावा जो स्टेज फेस्ट है, आप देख पा रहे हैं कितने उपस्थित हुए थे और उसमें से कितने क्वालिफाई हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने है, स्टेज सेकंड में भी यही बात है, कितने अटेंड किया था एग्ज़ाम को और कितनों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया था। इसके अलावा जो थर्ड स्टेज थी, जिसमें स्किल टेस्ट हुआ था आपका, वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। EWS के 3 हैं, OBC के 35 हैं और UR के 8 हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, जिनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, वो आपके सामने है। तो EWS जो भी कैंडिडेट हैं उनके, जैसे अमन जैन हैं, तो जैसे इनका सिलेक्शन हुआ है तो ये EWS कैंडिडेट हैं। वेटिंग लिस्ट साथ में इन्होंने दे रखी है, तो ये दो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में हैं। यदि अमन जैन ज्वाइन नहीं करते हैं तो जो आगे हैं उनको वहाँ पर मौका मिलने वाला है। UR कैटेगरी में ये कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं, ये वेटिंग लिस्ट में हैं जनरल कैटेगरी के। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा काम है कि वेटिंग लिस्ट वालों को भी अभी पता चल जाएगा कि अपना सिलेक्शन है कि नहीं है, यदि ये ज्वाइन नहीं करते हैं तब। OBC कैंडिडेट के लिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर क्वालिफाई किया है, ये इनकी वेटिंग लिस्ट है। इसके अलावा जो भी और कैंडिडेट हैं, और कैंडिडेट नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर SC और ST कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, इसीलिए यहाँ पर लिस्ट नहीं दी गई है। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें दोबारा पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।